Been to the races before. It's the first time. So when the family of Midday invited me to be a part of the event, I said that yeah, I think it would be nice to just go and see and experience what today is going to be like. In fact, the Patodi family is very closely associated with horses because we have the Patodi Polo Cup, which happens every year in Delhi. And last year, both me and Saif, we normally always go, but last year we couldn't go. So somewhere there is a relation to, you know, horses, races and polo. And it would be nice to just be a part. Horse riding to jaanti nahi hu, but I'm quite fond of watching polo matches. I think it's quite nice and I have seen 2-3 matches dekh chuki hu main in Delhi mein. But this is the first time I'm coming here. Though as a child I visited this place a lot kyunki I was born in town. I used to live in Apensi Road before Karishma joined films, and when we were in school, we were in Cathedral School. तो हम लोग गैलप्स रेस्टोरेंट आते थे हमारे पेरेंट्स के साथ एंड गार्डन में बैठ के वी यूज़ टू हैव टी एंड टोस्ट लाइक अ टिपिकल इंग्लिश इवनिंग सो आई हैव फॉन्ड मेमोरीज डेफिनेटली ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस नो आई थिंक आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड नीदर अ सेफ नो हॉर्स राइडिंग दो ही शुड इज अ हीरो नो आई हैव एक्चुअली नोबडी इज एवर रियली आस्क्ड मी टू राइड अ हॉर्स इन अ फिल्म क्वाइट स्ट्रेंजली आई थिंक दोज डेज आई थिंक दे यूज्ड टू हैपन अ लॉट इन द 70s आई डोंट थिंक एनी Today, any of the actresses are like sitting and galloping on a horse. But I did a few stunts on a horse in Ashoka. Well, I don't know too much of the game. Main zyada kuch janti nahi hu teams ke bare mein. But I'm sure that the best one is going to win like always. And I'm also very friendly. Meri khas dost jo hai, I think one of their horses are running. That is the Poonawalas. I'm very friendly with her. So I hope maybe her horse should win. ज़िंदगी में मैंने कुछ खास रेसिंग देखी नहीं आज जब मिड डे और जागरण मेरी मित्र हैं मिड डे की एडिटर शुभा उन्होंने आमंत्रित किया और कहा कि आई मस्ट कम टू सी दिस एंड आई मस्ट कम टू हाईलाइट सर्टन इशूज सर्टन यू नो एरिया सर्टन कॉजेज दैट दे सपोर्ट सो आई वॉज वेरी हैप्पी दरअसल क्या है ये रेसिंग घुड़दौड़ सजे हुए लोग स्टाइलिश चश्मे यू नो ये एसोसिएट हो गया है खलनायक के साथ में शुरू की फिल्मों में क्योंकि शुरू शुरू में जो है यू नो मॉरली नायक को इतना करेक्ट होना पड़ता था कि दैट ऐसी किसी भी जगह पर उसका दिखाई देना करेक्ट नहीं माना जाता था सो देयरफॉर ये खलनायक के साथ ही जुड़ता है खलनायक के साथ ही रहता है ये जो रेसिंग का मामला है जी मैं बिल्कुल बैटिंग नहीं मैं तो सोशल कॉजेज को हाईलाइट करने आया हूँ और यहाँ पर एक आध बार मैंने रेसिंग में आने की कोशिश की थी जब मैं नया नया एक्टर बन रहा था तो कुछ खास सफलता नहीं मिली उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में हर कंट्री की जो जहाँ पर रेसिंग होती है वहाँ पर मेरे ऊपर सीन्स फिल्माए गए हैं तो मैं आज इसे देखूँगा और देखकर इसे अप्रिशिएट करूँगा